सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग A32 मोबाइल है और आपको नहीं पता है कि इसमें फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को कैसे सेट करते हैं, यानी आप अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को भी सेट कर पाओगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको क्या करना है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर ऐप लॉक आपको जो है एक डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सैमसंग स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनबिल्ट फीचर आपको ऐप लॉक का नहीं मिलता है। तो आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप सैमसंग स्टोर से भी एस सिक्योर नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको एक बार ओपन करना है इसको, और ओपन करने पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है आपको पिन बना लेना है, अपना पासवर्ड बना लेना है, जो भी आप अपना रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ। उसके बाद आपको राइट कर देना है, उसके बाद फिर से आपको कन्फर्म करना है और इस सही वाले निशान पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये पहले ही बोल रहा है कि आप क्या अपना फिंगरप्रिंट भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यस कर दूँगा। और जैसे ही यस कर दोगे दोस्तों, आपका काम हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जिस भी ऐप को लॉक करना है उसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दोस्तों सारे के सारे ऐप आ जाएंगे। अब इनमें से जिस भी ऐप को आपको लॉक करना है उसको यहाँ से लॉक कर लीजिए, और लॉक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाला आइकन आ रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये परमिशन मांग रहा है नोटिफिकेशन की, तो आप इसको परमिशन दे दीजिए, ओके कर दीजिए, और आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको ये ऐप ऊपर ही मिल जाएगा ऐप लॉक का, तो इसको आपको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट आएगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और ये जो है इतना काम आपका हो चुका है, अब ओके कर देना है। तो यहाँ से फिर से आपको एक परमिशन मांगेगा, तो आपको फिर से अलाउ कर देना है इसको, यानी कि एक्सेस दे देना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पर अलाउ कर देना है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके दोनों के दोनों ऐप लॉक हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो यहाँ पर एयरटेल को मैंने लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है एयरटेल ऐप को मैं ओपन कर रहा हूँ, इस वाले ऐप को। तो इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले इसने फिंगरप्रिंट मांग रहा है, यानी कि फिंगरप्रिंट मांग रहा है। अभी इसने पासवर्ड नहीं मांगा, अगर मैं फिंगरप्रिंट नहीं लगाऊंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ और देखिए ये ऑटोमेटिक ही ओपन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को सेट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।